हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर कीबोर्ड शॉर्टकट काम नहीं कर रहा तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे ठीक करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोज देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, अगर कीबोर्ड शॉर्टकट काम नहीं कर रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो उसके लिए हमको जाना है लेफ्ट हैंड साइड में फाइल टैब में। देखिए, यहाँ पर फाइल टैब आपको मिलता है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। हमको जाना है ऑप्शन पे, सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है हमें ऑप्शन का। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो वर्ड ऑप्शन का एक विंडो आपके सामने यहाँ देखिए ओपन हो गया। यह है वर्ड ऑप्शन का विंडो। ठीक, यहां पर हमको जाना है लैंग्वेज पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां हमको जाना है लैंग्वेज पे। ठीक है, लैंग्वेज पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहां पर देखिए दो अलग अलग विंडो सॉरी बॉक्सेस आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, यहां देखिए ऑफिशियल डिस्प्ले लैंग्वेज और ऑफिशियल ऑथोराइज लैंग्वेज एंड प्रूफिंग। ठीक है, ये दो ऑप्शन हमको यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, सॉरी दो बॉक्सेस हमको यहाँ दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, इंग्लिश सेलेक्ट करना है और यहाँ सेट एज ए प्रिफर्ड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये पहला हो गया। उसके बाद नीचे देखिए इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सेट एज ए प्रिफर्ड पे हमें क्लिक कर देना। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पर यस कर दीजिए। ठीक है, ये हमने दोनों लैंग्वेज को यहाँ पर सेट एज ए प्रिफर्ड कर लिया, मतलब चेंज करके सेट एज ए प्रिफर्ड कर लिया। अब क्या करना है, हमें इसको यहाँ से क्लोज करना है, उसके बाद वर्ड क्लोज करना है और वर्ड हमें दोबारा से ओपन करना है। ध्यान रखिएगा, ये जरूरी स्टेप है। ठीक है, यहाँ से हमने क्लोज किया, डोंट सेव पे क्लिक कर देते हैं, हमने वर्ड बंद कर दिया। अब दोबारा से वर्ड हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए वर्ड हमने यहाँ पे ओपन किया और ब्लैंक पेज ओपन कर लिया। अब आपके कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ पर काम करना शुरू कर देंगे। तो मान लीजिए कि हमें टाइम के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करना है, तो ऑल्ट शिफ्ट के साथ जैसे ही हम टी प्रेस करेंगे तो आप देखिए करंट टाइम जो भी होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कीबोर्ड शॉर्टकट काम नहीं कर रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो हम लोग ठीक कर सकते हैं।